GDP. So that means market value of goods and services that are produced. In one financial year, okay. Then हमारे पास एक concept आता है value addition. क्या होता है? Value addition का मतलब है मूल्य वृद्धि. यानी हमने किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा दें, ठीक है? तो वैल्यू एडिशन का क्या फॉर्मूला होता है? वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. Yes, हम इसमें ले सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, कि रॉ मटेरियल को यूज करके हम उसको उसकी वैल्यू को इंक्रीज करके हम उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? फाइनल गुड में. फाइनल गुड क्या होता है? जिसमें हम आगे फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते और जिसमें वैल्यू एडिशन आगे नहीं हो सकता और विच इज रेडी टू यूज, हम उसको आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते और आगे हम उसका प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते. वो सारी प्रोडक्शन की स्टेजेस को क्रॉस कर चुका होता है, यानी उसका प्रोडक्शन हो चुका होता है, ठीक है? तो दो तरह के गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. तो इनके बीच के का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन. अब वैल्यू एडिशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Yes, ma'am. Okay. फिर है कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं
इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दैट इज सबसे पहले हमने पढ़ा था जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक होता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, दैट इज कॉल्ड एनडीपी। ओके, तो अब हमें इनकी कन्वर्जन्स पढ़ने हैं कि अगर हमें जीडीपी हमें दिया हुआ है तो हम उसको एनडीपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एनडीपी है देन हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इनटू जीडीपी। हमें ये कन्वर्जन्स पढ़ने हैं। तो हमारे पास जीडीपी है और हमें एनडीपी में चेंज करना है। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां पे भी ग्रोस वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या है, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड हो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है जैसे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू में कमी आ जाना, डेप्रिशिएट हो जाना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिस मशीनरी का यूज कर रहे हैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस मशीन की वैल्यू कम हो जाना या फिर उसमें कोई खराबी आ जाना या मशीन आउटडेटेड हो जाना, तो उसके लिए जो कॉस्ट लगती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ठीक है, तो जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और जब हम एनडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, हम एनडीपी में डेप्रिसिएशन कॉस्ट को नहीं लेते। ओके ओके मैम। तो अब देखो जीडीपी है, जीडीपी से अगर हमें एनडीपी में जाना है यानी जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और इसके ऑपोजिट अगर हमें एनडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर है? यस मैम। ओके, तो बस इसमें क्या किस चीज का डिफरेंस है, ओनली डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन हम ऐड करते हैं और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ठीक है, ओके मैम। अगला कॉन्सेप्ट है और हमने जीडीपी पढ़ लिया, हमने एनडीपी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं जीएनपी और एनएनपी। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी डोमेस्टिक से हम किस पे चले गए, नेशनल पे चले गए। एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी वही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, यानी डोमेस्टिक से हम किस पे चले गए, नेट पे चले गए। ठीक है, अब हम इसके भी कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। मान लो हमारे पास है जीएनपी, ठीक है, और हमें किसमें कन्वर्ट करना है, एन एन पी में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए। जब हम हमारे पास क्या है, हम जी को एन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे पास ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ग्रोस को हमें नेट में चेंज करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके ओके मैम। यस मैम। नाउ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एन एफ आई ए,
एनएफआई इनकम का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी अब्रॉड से हमें कितनी इनकम मिल रही है, ठीक है, कितनी हमें फैक्टर इनकम मिल रही है अब्रॉड से। अब डोमेस्टिक में क्या है, डोमेस्टिक में तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हो रही है तो वो हमारे किस में हो रही है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। पर जब हम नेशनल की बात करते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, नेट फैक्टर ऑफ इनकम को भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो क्या है, कन्वर्जन देखिए, जीडीपी को अगर हमें जीएनपी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, क्यों, डोमेस्टिक से किस पे जा रहे हैं, नेशनल पे, ओके। अगर हमारे पास नेशनल है और नेशनल को हम किस में कन्वर्ट करना है, हमको डोमेस्टिक में, तो हम क्या करेंगे, माइनस एनएफआईए यानी नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। ओके मैम, सो नेक्स्ट है हमारा, एक हमारे पास होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस और एक होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। मार्केट प्राइस ये होता है कि जिस प्राइस पे मार्केट में वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल आउट हुई है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगी, एक्चुअल जो प्रोड्यूसर ने जो कॉस्ट बियर की, उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अच्छा, मार्केट प्राइस जो होता है एमपी, उसमें हम क्या चीज इंक्लूड करते हैं, उसमें करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं और सब्सिडीज को माइनस करते हैं, सब्सिडीज को माइनस करते हैं। और बेस फैक्टर कॉस्ट को हम बेसिक प्राइस भी बोलते हैं, बीपी, बेसिक प्राइस मतलब जो कॉस्ट एक्चुअल में बियर की है प्रोड्यूसर ने वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी टैक्सेस को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडीज, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका भी है। अब देखिए, मार्केट प्राइस क्या होता है कि जिस प्राइस पे हमने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट किया मार्केट में, ठीक है। तो अब देखो, सोचिए कि जब हम मार्केट से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है। ये जो टैक्सेशन है वो कौन बेयर करता है, अल्टीमेटली जो टैक्स है वो कंज्यूमर पे करता है, इसीलिए मार्केट प्राइस में हमेशा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है। इनडायरेक्ट क्यों हो रहा है उसमें, क्योंकि टैक्स किस पे लगा है, टैक्स लगा है प्रोड्यूसर पे, बट पे कौन करता है, कंज्यूमर पे करता है, इसीलिए इसको बोला इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में हमेशा क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे और सब्सिडीज माइनस करेंगे, और इसके ऑपोजिट फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे और सब्सिडीज ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी कन्वर्जन देखते हैं, जब भी हमें क्या दे रखा है, हमारे पास है मार्केट प्राइस और हमारे पास है बेसिक प्राइस, ठीक है। तो हमें बेसिक, अभी मार्केट प्राइस से हमें बेसिक प्राइस पे जाना है, मार्केट प्राइसेस को बेसिक प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, बेसिक प्राइस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है, यानी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज, ठीक है। और इसके ऑपोजिट अगर हमारे पास बेसिक प्राइस है और हमें बेसिक प्राइस में से को हमें मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे और सब्सिडीज माइनस।
यस मैम। ओके दैट्स गुड। सो मेन आपके लिए कन्वर्जेंस थे, आगे का टॉपिक हम कल कंटिन्यू करें।